गोल्डन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खैरा। हमारे यहाँ 1 साल और 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स फ्री में करवाया जाता है। एडमिशन शुरू हो गई हैं, जल्द से जल्द संपर्क करें क्योंकि सीटें सीमित हैं। राफेल मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अमेठी के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऊना मुख्यालय के एमसी पार्क पर मोर्चा खोला व देश के राष्ट्रपति को जिलाधीश ऊना के माध्यम से ज्ञापन भेजा। आपको बता दें, आज का धरना प्रदर्शन राहुल गांधी को लेकर किया गया, जिसमें ऊना जिला में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, HPSID के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार, गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर, हिमुंडा के उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा, जिला बीजेपी अध्यक्ष बलवीर बग्गा समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बड़ा विचित्र समय है आज कि सेंटर च सरकार भी साड़ी है और प्रदेश विच सरकार भी साड़ी है, लेकिन अज सानू मजबूर होकर धरना क्यों देना पिया। अभी जिस वे आ रहे थे तो मेरे गल पुछी कि अपोजिशन के बिच धरने तो दिते जाते, सरकार थोड़ी प्रदेश विच भी थोड़ी सरकार है और देश विच भी थोड़ी सरकार। जिस प्रकार से झूठ बोलकर यहाँ एक तरफ भारत की राजनीति व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के पद का अपमान कर रहे हैं, साथ में इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका अपमान कर रहे हैं, और उनके व्यवहार से लगता है कि वह एक जिम्मेवार उत्तरदायी व्यक्ति नहीं है और आज वो संसद के सदस्य हैं उस पद के लायक नहीं है, उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। और जिसका जिक्र बता जी ने किया कि ज्ञापन हम देश के राष्ट्रपति महोदय को सौंपेंगे जिलाधीश ऊना के माध्यम से, कि जिसके द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन किया जाएगा कि इस प्रकार के गैर जिम्मेवार व्यक्ति को सांसद रहने का हक नहीं है, उसे तत्काल उसके पद से हटाया जाए। ये कार्यक्रम इस प्रकार से हो रहा है। राफेल का जिक्र वक्ताओं ने किया, वैसे तो 2001 में राफेल के ऊपर चर्चा शुरू हो गई थी। यहाँ एयरफोर्स से हमारे श्री CL विमान जी बैठे हैं, एयरफोर्स में हमेशा फाइटर प्लेन में आपने देश की सीमाओं की रक्षा की है, उनमें उड़ान भरकर जरा जानकारी रखते हैं, मैंने उनसे भी चर्चा की थी एक दो बार। आज हमारे देश में 42 फाइटर स्क्वाड्रन हैं, उनमें से आज सिर्फ 31 फाइटर स्क्वाड्रन में हमारे पास पर्याप्त विमान है फाइटर प्लेन से, और एक स्क्वाड्रन में ऐसे 18 ऐसे लड़ाकू जहाज रहते हैं। अब तो सरकार हिमाचल में भी है, केंद्र में भी है, लेकिन जैसे पूर्व वक्ताओं ने ये सारी बातें रखी कि किस तरह से कांग्रेस पूरे देश के अंदर एक भ्रामक प्रचार जो है वो कर रही है, और कांग्रेस को लगता है कि आजादी के बाद 70 वर्षों में 50 वर्ष एक ही परिवार का राज रहा, एक ही पार्टी का राज रहा, और उस राज में जितने भी अगर डिफेंस डील हुई है तो शायद ही कोई ही ऐसी डिफेंस डील थी जो विवादों के घेरे में नहीं थी। और कांग्रेस को एक आदत पड़ गई है, जैसे कहते हैं कि उसके खून में ही भ्रष्टाचार जो है वो पैदा हो गया है, उसके खून में भ्रष्टाचार होने के कारण उसको लगता है कि कोई दूसरी पार्टी जो है इतनी ईमानदारी के साथ इतना बड़ा सौदा कैसे कर सकती है, और इस करके उन्होंने जो है वो बार बार जो है वो झूठ बोलना शुरू कर दिया पूरे देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रखा, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फैसला दिया कि जो डिफेंस से जुड़े हुए विषय हैं उनको जो है वो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता,
और इसमें जो डील जो हुई है उसमें पूरी पारदर्शिता जो है रखी गई है, पूरी ईमानदारी जो है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो है वो रखी है, और जितने भी इससे जुड़े हुए मामले थे उन सभी मामलों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो था वो निरस्त कर दिया। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए ऊना से पूनम शर्मा की रिपोर्ट।